नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत की तैयारी में जहां देश भर की विवाहित महिलाएं जुटी हैं, वहीं पुलिस विभाग में तैनात महिला पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं है। कर्तव्य के साथ पत्नी धर्म निभाने के लिए झांसी के महिला थाने में महिला पुलिस कर्मियों ने आज ड्यूटी के साथ साथ हाथों में मेहंदी लगवाई। त्योहारी सीजन के चलते इन महिला पुलिस कर्मियों को विभाग ने छुट्टी भले ना दी हो, पर उनके उत्साह में कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि पुलिस विभाग ने इन दिनों छुट्टियों पर रोक लगा रखी है। देखिए झांसी से लक्ष्मी प्रसाद की रिपोर्ट। आरती चौहान, क्या तैयारी चल रही है? वो आज कल करवा चौथ है ना, वर्ष में एक बार करवा चौथ मनाया जाता है अपने हस्बैंड के लिए, तो इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो हमारे पास ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी के अलावा हमें टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए ड्यूटी के साथ साथ हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं और इस पर्व की करवा चौथ की तैयारियाँ कर रहे हैं। कल पूरे दिन ड्यूटी भी होगी और पानी भी नहीं पीना है। हाँ, हम इतनी मजबूत तो है हम लोग कि एक दिन बिना पिए रह सके पानी। तो कल ड्यूटी भी करेंगे और अपना व्रत भी रखेंगे, क्योंकि व्रत भी जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है और विभाग भी जरूरी है। तो जॉब भी करेंगे और साथ में व्रत भी रखेंगे, रात को भी व्रत खोलेंगे। कितने साल हो गए? ये मेरा सेकंड व्रत है, सेकंड करवा चौथ है मेरा। पहला भी आपने इसी प्रकार रखा? हाँ, पहला भी हमने इसी प्रकार रखा था। तैयारी है, ड्यूटी भी है, किस तरीके से सेलिब्रेट करें? अब ड्यूटी भी है, अब तैयारी तो ज़्यादा हो नहीं पा रही है, पर जैसे हम लोग पूरे साल में एक त्यौहार आता है करवा चौथ, जिसे हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटी के साथ साथ ही हम लोग जब थोड़ा समय समय मिल पा रहा, तो उसी में हम लोग एक दूसरे की मेहंदी लगा के ही इस दिन को ड्यूटी भी कर पा रहे हैं और मेहंदी भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि त्यौहार भी साथ के साथ मना जाए। आपके यहाँ कितना स्टाफ है जो इसको करवा चौथ को मना रहा है? कम से कम हमारे यहाँ 15 से 20 महिलाएं हैं जो मैरिड हैं, जो कि अपनी पति की लंबी आयु के लिए श्रृंगार के रूप में एक मेहंदी अपना लगा रही हैं। जैसे कहते हैं व्रत तो ये कठिन होता है, पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता है और आपको साथ साथ ड्यूटी भी करनी है, भाग दौड़ भी करनी है, तो उसके लिए क्या तैयारी की है? तैयारी क्या, वो तो एक भाव होता है अपना, क्योंकि अपने पति की लंबी आयु के लिए हम रखते हैं, तो एक अंदर से ही एक ऐसे होता है कि उस दिन ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और ड्यूटी भी कर रहे हैं तो वो समय उस दिन का ऐसा रहता है कि निकल जाता है। पूरी तरह तैयार, पूरी तरीके से हम तैयार हैं।